छत्तीसगढ़ के एकमात्र फिजिकल कॉलेज पिंडरा की बदहाली की स्थिति ऐसी है कि यहां एक भी स्टाफ नहीं है और अब यह एकमात्र कॉलेज उधार के स्टाफ से संचालित हो रहा है। दरअसल अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से पिंडरा में शासकीय शरीर शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित हो रहा है। यहाँ डीपीएड और बीपीएड कोर्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं, जहाँ से स्पोर्ट्स टीचर तैयार होते हैं। यह प्रदेश का एकमात्र कॉलेज का दर्जा हासिल किए हुए हैं, जबकि यहाँ सालों से स्टाफ रिटायर और ट्रांसफर होकर चले तो गए, पर उनकी जगह अब तक एक भी नियुक्ति या पदस्थापना नहीं की गई। अब आलम यह हो गया है कि यहाँ प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक प्रभारी और दूसरे जगहों से उधार में अटैच किए गए हैं। इस कॉलेज में 60 व्याख्याता का पद स्वीकृत है, जिनमें से एक भी नहीं है। पिछले 7 साल से प्रिंसिपल का प्रभार जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मनोज राय के पास है और अन्य दूसरे स्टाफ भी स्कूल शिक्षा विभाग से मांग कर काम चलाया जा रहा है। वहीं नियमित व्याख्याता नहीं होने के कारण बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है। कॉलेज प्रबंधन और शासकीय नेताओं ने कई मर्तबा यूनिवर्सिटी और शासन प्रशासन को पत्र लिखकर स्टाफ नियुक्ति किए जाने की मांग पर 7 सालों से इस कॉलेज की उपेक्षा के बाद अब पूरे 100% पद रिक्त होकर उधार के स्टाफ से यह कॉलेज संचालित हो रहा है। फिजिकल कॉलेज में 11 शिक्षक के पद तो रिक्त हैं, प्राचार्य का भी पद रिक्त है, अतिरिक्त प्रभार के रूप में मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने अभी वर्तमान में पीटीआई के प्रमोशन हो रहे हैं, डीपीआई महोदय से अनुरोध किया था तो उन्होंने कहा प्रमोशन के बाद वहाँ पोस्टिंग बहुत जल्दी करने की संभावना है। एक शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो भी पीटीआई के लिए हम लोगों ने वहाँ से एक नियमित तौर पर पदस्थापना का प्रस्ताव यहाँ भेजा गया है और यहाँ प्रत्याशा में अध्यापन के लिए कह दिया गया, मतलब आदेशित कर दिया गया है। चूँकि पद बहुत से रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से बीपीएड कोर्स जिसका कि विश्वविद्यालय से मान्यता होती है उनके द्वारा भी आपत्ति जारी की जा रही है, लेकिन उम्मीद है इस सत्र में पूरा कर लिया। अभी लगभग हम लोग 50 गोरेला पिंडरा मरवाही से तनवीर आदम, सीजी विजन टीवी।